और हमारे भावनगर के प्रजावत्सल महाराजा आजादी के पहले भावनगर के लोगों और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के रेलवे की सुविधा मिले इसके लिए उन्होंने खुद रेलवे लाइन डलवाई थी और हमारे सौराष्ट्र जोन में सबसे पहले रेलवे चालू की थी। लेकिन समय के साथ ये सारी रेलवे लाइन सर बंद हो चुकी है। बहुत सारे स्टेशन, रेलवे स्टेशन अभी भी भावनगर सिटी के अंदर मौजूद हैं और भावनगर डिस्ट्रिक्ट में भी मौजूद हैं। लेकिन सर क्या होता है कि ये बहुत सारी लैंड जो रेलवे की है वो अभी बिल्कुल नॉन यूज पड़ी रही है और स्वाभाविक है वहाँ बहुत सारा अतिक्रमण हो रहा है। हमारे पूरे भावनगर डिस्ट्रिक्ट में सर 280 हेक्टर लैंड और बोटाद में भी 50 हेक्टर और भावनगर शहर के बीचों बीच 100 हेक्टर लैंड ऐसे ही पड़ी है रेलवे की। वैसे हमारे भावनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को लैंड की जरूरत है। हमारी एक एनजीओ ने भी बहुत अच्छा काम करके सिटी के बीच ये रेलवे की लैंड में बहुत अच्छा ब्यूटिफिकेशन किया है और वहाँ अभी हजारों की संख्या में लोग वॉकवे और जॉगर्स पार्क के रूप में उनका यूज कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से रेलवे मंत्रालय का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ और मांग भी कर रही हूँ कि सिटी के बीचों बीच जो रेलवे की नॉन यूज लैंड पड़ी है वो हमारे भावनगर कॉरपोरेशन को दी जाए, जिसकी वजह से हमारा कॉरपोरेशन बहुत अच्छा काम करके वहाँ ब्यूटिफिकेशन कर सके और हमारे भावनगर और बोटाद की सुंदरता में भी बढ़ोतरी हो सके और लोग उनका यूज कर सके। थैंक यू सर। श्री सुश्री प्रतिभा।